हेलो फ्रेंड्स, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी जो आपको साड़ी में से ड्रेसेस बना के दिखाई हैं, वो आपको काफी पसंद आ रही हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी बता रहे हो मुझे कि ड्रेसेस आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो भी साड़ी में से ड्रेस बनाने का ही है। तो मैं आपको वो साड़ी दिखाती हूँ जिसमें से हमारी ड्रेस बनने जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी है और इसमें नीचे ऐसे कढ़ाई हो रही है। ये हमारी एक क्लाइंट है और उन्होंने हमारा ऑनलाइन काम देखा, साड़ी में से ड्रेसेस देखी, उसको काफी अच्छी पसंद आई। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे भी ड्रेसेस डलती हैं, तो वहां से भी क्लाइंट देखने के बाद हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं और वो भी कुछ अपने पसंद की साड़ी या कोई भी फैब्रिक है उसमें से ड्रेसेस बनवा रहे हैं। तो ये कस्टमर की साड़ी है और उसने इसमें से ड्रेस बनवाने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है एक गाउन बनाने की। इससे पहले भी हमने ऐसी ही साड़ी में से एक लहंगा बनाया था, बट इस कस्टमर को लहंगा नहीं, उसको गाउन चाहिए। तो हमने इसमें से गाउन बनाने की सलाह दी, बट जो उसकी डिजाइनिंग है, उसकी डिजाइनिंग की सलाह भी हमारी अपनी है। वो हमने उसको कुछ अंगरखा स्टाइल में ड्रेस बनाने का बताया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें से आपको गाउन बना के दिखाएंगे और फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए और प्यार भी देते रहिए, हम आपको ऐसे ड्रेसेस बनाकर दिखाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अपना फेसबुक पे भी पेज है कभी डिजाइनर बुटीक के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं हमारी डिजाइनिंग, और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई थी, आज हमने उसमें से ड्रेस तैयार कर ली है। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको वो ड्रेस दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ड्रेस इस तरीके से तैयार की है। पहले हम आपको इसकी पूरी लुक दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ड्रेस अंगरखा स्टाइल में बनाई है और अंगरखा स्टाइल में हमने इसमें रेड कलर की पाइपिंग दी है। जिस कलर की साड़ी में कढ़ाई थी उसी से मैचिंग करके हमने इसमें रेड टच दिया है और इसमें हमने इस तरह की गले की शेप बनाई है और इसमें रेडी कलर की लुप्पी लगाई है और इसमें साथ में ये स्टोन वाले गोल्डन कलर के बटन लगाए हैं। ये काम इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो इसकी लुक आई है सिंपल सोवर में वो बहुत प्यारी आई है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन ही काफी सुंदर है अपने आप में। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये जो स्लीव्स है, इसकी स्लीव्स में भी हमने इसी तरीके से लुप्पी और बटन लगाए हैं और ये कफ स्टाइल में बनाया हमने। ये इस तरीके से ये बटन ऐसे खुल भी जाएंगे और बंद भी हो जाएंगे। तो ये लुक हमारा इस स्लीव्स में काफी सुंदर लगा है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो इसका बैक है वो बैक भी हमने ऐसे बनाई है। ये थोड़े से हैवी साइज के लिए बनाई है, क्लाइंट हमारे थोड़े से जो बैक का गला है उसके बैक के गले में हमने कुछ इस तरीके की शेप दी है। इसमें पहनने के बाद ये ऐसे गुलाई में आएगा और साथ में उसमें हमने डोरी दी है रेड कलर की। और फ्रेंड्स, ये हमने इसमें टेसल्स दिए हैं। ये जो टेसल्स है, इसका फैब्रिक इसका ब्लाउज था, इसका ब्लाउज बना हुआ था, बट वो ये तो ब्लाउज जब साड़ी में से ड्रेस बन गई तो ब्लाउज वेस्ट हो गया, तो उस ब्लाउज में से हमने कुछ इस तरीके से ऐसे टेसल्स तैयार किए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, टेसल्स भी हमने कुछ स्पेशली लुक दिए इसके अंदर। इसके अंदर देखिए फैब्रिक लगा के इसकी पलटी की है, तो ये अपने आप में काफी टेसल्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये बैक का हमने इस तरीके का लुक दिया है और फ्रंट का लुक हमने आपको दिखाया कि कुछ ऐसे आया है, ये अंगरखा स्टाइल में लुक है। और फ्रेंड्स, इसकी जो कलियों में हमने इसके कट दिए हैं, वो कलियों में हमने ये 10 कलियों में बनाया है, इसकी कलियां टोटल 10 हैं। और जो इसका जो साड़ी में जो कढ़ाई थी वो हमने साड़ी की जो कढ़ाई थी वो हमने ऐसे उसका बॉर्डर लुक दे दिया है, जो बॉर्डर लुक इस तरीके से तैयार किया है ताकि उसमें नीचे और ऊपर पाइपिंग लगे। पाइपिंग लगाने से हमारा इसका एक बॉर्डर अलग से लुक देता है।
और ये जो बॉर्डर है इसमें भी हमने फिनिशिंग इस तरीके से दी है, इसके अंदर थोड़ी सी पेपर फॉर्म लगाने के बाद इसमें काफी भारीपन आ जाता है, तो इसका लुक कुछ जो बना है, जब तक इसमें हैवी लुक नहीं दिया जाएगा तब तक बॉर्डर का कुछ अच्छे से लुक नहीं आता है। और साथ में फ्रेंड्स हमने इसमें केन भी डाली है, इसके अंदर देखिए इसमें ये केन भी लगाई गई है, और ये हमारा 3 लेयर में बना है ड्रेस, और केन लगने से जो ड्रेस है वो थोड़ी सी खुली हो जाती है और तो उसका लुक भी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स हमने इसको साड़ी में से जो लुक दिया है वो ऐसे लुक दिया है, बाकी आप सब बताएंगे कि ये ड्रेस आपको साड़ी में से बनी हुई कैसी लगी। यदि आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो फ्रेंड्स आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये कैसी लगी। आप हमें इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए बार बार अच्छी ड्रेसें लेके आते हैं। फ्रेंड्स हमने इस ड्रेस की कटिंग की वीडियो भी बनाई है, तो फ्रेंड्स जिन किसी को भी ये ड्रेस की कटिंग देखनी है वो ड्रेस की कटिंग भी देख सकते हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी कटिंग ही डालेंगे, सॉरी इसकी हम वीडियो स्टिचिंग की नहीं बना पाए और उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।